করমন্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় রেশ কাটতে না কাটতেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বিহারের ভাগলপুরের সেতু। গঙ্গায় ডুবে গেল সেতুর চারটি পিলার। নির্মীয়মান অবস্থায় দ্বিতীয়বার ভেঙে পড়ল সুলতানগঞ্জ আগুয়ানি সেতু। এই নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয়রা। ঘটনায় তদন্তের পাশাপাশি সেতু নির্মাণকারী সংস্থাকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান তারা, যদিও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। মিত্র, अभी एकजुटता का विषय है, आप लोग सब एकजुट रही है और ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बिहार से भगाने का आप लोग प्रयास करें, प्रयत्न करें, सब लोग एकता का परिचय दें और इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यहां से सीधे खदेड़े। आप लोगों से ही आग्रह होगा। पिछले वर्ष भी यह पुल, एक पुल, दो पुल पिलर धराशायी हुई थी, इस बार पुनः ये तीन पुलिया इसका जो है टूट के गिर रही है, पूरा धराशायी है और गंगा नदी में ही गिर गंगा नदी में ही गिर गई है। इसकी जांच होनी चाहिए और इस तरह के कंपनी वाले को ब्लैकलिस्टेड किया जाना चाहिए। नौ दस ग्यारह कैसे गिरा? वो अपने गिर गया। अभी एक बजे हम लोग पहुंचे, वहाँ अपने गिर गया टोटल। जी, उसको हताहत भी हुआ क्या? नहीं, अभी कोई ऐसा सूचना नहीं आया है। लेकिन वहाँ काम कर रहा था मजदूर? नहीं, अभी कोई मजदूर काम नहीं कर रहा था वहाँ पर। এই সেতু মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের স্বপ্নের প্রকল্প। গঙ্গাপক্ষ থেকে 100 মিটার উচ্চতায় নির্মাণ করা হচ্ছিল সেতুটি। ঘটনাস্থলে ইতিমধ্যেই পৌঁছেছেন স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকরা। আনুমানিক 1710 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছিল সেতুটি। কিভাবে দ্বিতীয়বার ব্রিজটি ভেঙে পড়ল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, পাশাপাশি উঠেছে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ। उसलिए काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं तोड़े गए और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था माननीय सदस्यों ने, दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है। जो नुकसान होना था वो हम लोग के सरकार पे बोझ उसका नहीं आया है, बल्कि संवेदक पे आया है। तो आप कह सकते हैं कि पैसे की जहाँ तक बात आती है कि इतना, क्योंकि गंगा नदी पे कोई भी पुल बनता है तो महंगा बनता है, लेकिन अगर डिज़ाइन में अगर कोई फॉल्ट है, क्योंकि आंधी आया, जो भी आया, वो तो रिपोर्ट पे अब परसों आ ही जाएगा पूरी तरीके से। तभी की कारण घटना पुनरावृत्ति घटल ता खतिए देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, कैलकाटा न्यूज़।